नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10th क्लास के संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने इस पाठ का अर्थ विस्तार से बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे ताकि प्रश्न उत्तर ज्यादा बढ़िया से समझ में आए। वैसे यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हर बार वार्षिक परीक्षा में इससे कुछ न कुछ प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस पाठ को जो है अच्छा से समझेंगे। तो यहां पर इस पाठ में दो प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक भी है और लिखित भी है। तो हमने बोर्ड पर आपके सामने है, ये अक्षर थोड़ा सा देखने में छोटा छोटा लग रहा होगा, अंत में इसको स्क्रीनशॉट करके आप जूम करके देखिएगा तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले मौखिक का और फिर हम लोग लिखित को भी समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगरस विषय द्वे वाक्य संस्कृत भाषायाम वदत, अर्थात पटना नगर के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में बोलना है। इसको जो है अपना मन से भी आप दो वाक्य संस्कृत में बना सकते हैं, जैसे पाटलिपुत्रम विशालम नगरम अस्ति, पाटलिपुत्रम विहार राजस राजधानी वर्तते। उसी प्रकार से और भी दूसरा दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। वैसे मैंने यहां लिख दिया है, पहला तो मैंने बता दिया है, ख है अस्य नगरे गोल गृहम तारा मंडलम उच्च न्यायालय च संति, इस शहर में गोल घर तारा मंडल और उच्च न्यायालय भी है। अगला प्रश्न कहता है, अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत, नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह बोले। सचिवालय सचिवानाम आलय, अर्थात सचिवों का जो आलय होता है, निवास होता है, घर होता है, वह सचिवालय कहलाता है। इसके समास का भी नाम अंकित है बोर्ड पर। गोल गृहम गोलम तत् च गृहम, गोल है जो घर। महीतलस तिलकम महीतल तिलकम, महानगरम मह च तत् नगरम, महान है जो नगर। महानगरम सरस्वती कुल गृहम सरस्वत्याह कुल गृहम, ये इसका विग्रह हो गया, सरस्वती का कुल घर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संधि विच्छेदम वदत, तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद बोलिए। नगरेषु अन्यतमम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, नगरेषु जोर अन्यतमम। अगला है, ग्रामो अयम ग्रामः जोर अयम, यहां पर दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न, ग्राम हयम। अगला शब्द है कालांतरेण, काल जोर अंतरेण। उसी प्रकार से अगला शब्द है पटनेति, पटना जोर इति। अगला शब्द है निर्गतः, नीह जोर गतः, आप यहां देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अभ्यास लिखित, लिखित अभ्यास की ओर, और परीक्षा में इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है लिखित से। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब संस्कृत भाषा में लिखिए। क प्रश्न है, कुटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवेह रचना अस्ति, अर्थात कुटनीमत नामक काव्य किस कवि की रचना है। तो यहां पर जवाब है, कुटनीमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तो नाम कवे रचना अस्ति, अर्थात कुटनीमत नामक काव्य दामोदर गुप्त नामक कवि की रचना है। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याह नद्याह तीरे अवस्थितम अस्ति, अर्थात पटना किस नदी के किनारे
अवस्थित है? तो इसका जवाब होगा पाटलिपुत्रम गंगा नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, अर्थात पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है या अवस्थित है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसका जवाब होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत् इति, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। अगला प्रश्न है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी? तो राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्, अत्यंत समृद्ध थी। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा? तो इसका जवाब हो जाएगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर जी ने लिखा। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद का मतलब होता है एक साथ जो शब्द है उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना उनके विभक्ति के अनुसार अर्थ के अनुसार। तो पहला शब्द है पानिनी पिंगला विह, तो इसका संधि विच्छेद होगा पानिनी पिंगलौ जोर इह, यहां पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगला शब्द है अति उत्कृष्ट आसीदिति, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति उत्कृष्ट जोर आसित जोर इति। अगला शब्द है उत्सवाश्च, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्सवाह जोर च उत्सवाह जोर च। अगला शब्द है अस्य उत्तरस्याम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अस्य जोर उत्तरस्याम। उसी प्रकार से अगला शब्द है गांधी सेतुर नाम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गांधी सेतु जोर नाम। अगला शब्द है नगरस्यास्य, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नगरस्य जोर अस्य, यहां पर है। उसी प्रकार से अगला शब्द है पुष्पाश्रिता, पुष्प जोर आश्रिता, ये रहा हमारा पुष्प जोर आश्रिता। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, यहां पे प्रश्न कहता है संधिम कुरुत, विच्छेद किया हुआ जो शब्द है उसको आपस में मिला करके एक बनाना है, संधि करना है। तो पहला शब्द है बहुलम जोर उत्पादनम, तो ये हो जाएगा बहुलमोत्पादनम, यहां दिया हुआ है बहुलमोत्पादनम। अगला शब्द है गंगाया जोर तीरे, तो ये हो जाएगा गंगायास तीरे। अगला शब्द है नगरे जोर अस्मिन, ये मिलेगा तो हो जाएगा नगरेस्मिन, नगरेस्मिन ये ड नहीं यह विकारी है, इसका उच्चारण अ की तरह होता है, नगरेस्मिन हो गया। च जोर अस्ति, ये मिलेगा हो जाएगा चास्ति चास्ति। उसी प्रकार से अगला है शब्द जोर अपि, इसका हो जाएगा संधि होगा तो शब्दो अपि। उसी प्रकार अगला शब्द है सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा जोर आक्रांतम, तो ये आपस में मिलकर के होगा सर्वदा क्रांतम। उसी प्रकार से अगला शब्द है इति जोर एते, ये आपस में मिलेंगे तो हो जाएंगे इति एते। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न का जो संधि करना था वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कहता है अधोलिखितानाम पदानाम स्व वाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे पदों को अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करें, अर्थात वाक्य बनाना है संस्कृत में अपने सुविधा के हिसाब से। मैंने यहाँ पर वाक्य बना दिए हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है केवल वही होगा, आप अपने मन से भी संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। ऐसे हमने लिख दिया है, जैसे पहला शब्द है यद्यपि,
तो मैंने लिखा है यद्यपि सह मेधावी अस्ति तथापि परिश्रमी न अस्ति। यद्यपि वह तेज है, मेधावी है, फिर भी वह परिश्रमी, मेहनती नहीं है। उसी प्रकार से अगला शब्द है संप्रति। संप्रति माने होता है इस समय। तो संप्रति त्वम किम करोसि, इस समय तुम क्या करते हो। उसी प्रकार से अगला शब्द है अतीव। अतीव माने होता है बहुत ही। जैविको उद्यानम अतीव रमणीयम स्थलम अस्ति। जैविक उद्यान या चिड़ियाखाना बहुत ही सुंदर स्थल होता है, रमणीय स्थल होता है। उसी प्रकार से अगला शब्द है महान। तो यहाँ पर है सम्राट अशोक महान शासक आसीत। सम्राट अशोक महान शासक थे। नगरम इदम नगरम अति विशालम वर्तते, यह शहर बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से अगला शब्द है अत्र। अत्र अनेका दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न का जवाब हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है रिक्त स्थानानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, अर्थात खाली जगह भरिए। तो पहला शब्द है गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम रिक्त स्थान है, महादेश दीर्घतम सेतु अस्ति। विकल्प दिया हुआ है दो। पहले अर्थ समझते हैं, गंगा के ऊपर गांधी सेतु नामक खाली जगह महादेश का सबसे बड़ा पुल है। विकल्प में है अफ्रीका और एशिया। तो पाठ में हम लोगों ने देखा है कि गांधी सेतु बिहार में है ना, पटना से पहले यह पुल पड़ता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो इसमें हमारा एशिया भरा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं पाटली पुत्र नगरे प्रसिद्धम, खाली स्थान है अस्ति। विकल्प में हमारा गोलगृह में ताजमहल है। कहने का मतलब पाटलिपुत्र नगर में पटना शहर में प्रसिद्ध क्या है, गोलघर है कि ताजमहल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ पर गोलघर भरा जाएगा, गोलगृहम। उसी प्रकार से अगला शब्द है, अगला वाक्य है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, खाली जगह है प्राप्यते। और विकल्प में हमारा है कुसुमपुरम माधवपुरम। तो हम लोगों ने किताब में पढ़ा है पाटलिपुत्र का नाम दूसरा नाम कुसुमपुर है ना, पुष्पुर भी था। तो यहाँ पर पटना का दूसरा नाम कुसुमपुरम ये भरा जाएगा, ग में हो जाएगा कुसुमपुरम। वैसे यहाँ पर ये कुसुमपुरम है, यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पर। उसी प्रकार से कहता है घ कौमुदी महोत्सव, खाली जगह अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव बहुत ज्यादा प्रचलित था। किस शासन काल में, दो विकल्प है आंगल शासन काल है, गुप्त शासन काल है। तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव, तो इसमें ग में भरा जाए गुप्त शासन काल या गुप्त वंश शासन काल, एक ही बात हुआ। उसी प्रकार से अंग है पाटलिपुत्र से, खाली जगह दिशी गंगा नदी प्रवहती, पटना के दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना शहर है, तो इसमें उत्तर श्याम हो जाएगा। च गोविंद सिंह सिख संप्रदाय, खाली जगह है गुरु आसित। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो विकल्प है हमारा प्रथम और दसम। तो हम लोगों ने पढ़ा है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के दसवें गुरु थे, तो इसमें हमारा दसवां भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है दसवां। आगे चलते हैं छठा प्रश्न कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कृत, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न बनाइए। प्रश्न है तत्र तीर्थ यात्रिनः दर्शनार्थम आयान्ति, वहां तीर्थ यात्रीगण दर्शन हेतु आते हैं। तो क्रिया का रूप देख करके कर्ता का पता चलता है कि बहुवचन है और तीर्थ यात्रिन है या बहुवचन का रूप है। तो इसके लिए उचित जो कह कऊ के, तो यदि हम वाक्य बनाते हैं तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति, अर्थात वहां कौन दर्शन हेतु आते हैं, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा।
तो पूरा वाक्य तो नहीं लिखा जाएगा के अभाव में, हमने जिन शब्दों को लगा करके वाक्य बनाना है उसको लिख दिया है, आप इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करेंगे। ऐसे तत्र के दर्शनार्थम आय अंति, ये पूरा वाक्य हुआ, प्रश्न निर्माण हो गया। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है, मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूतम। मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष के आसपास जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, तो काले हैं मध्य काल में, तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे कस्मिन काले। यदि कस्मिन काले जोड़ देते हैं, कहने का मतलब किस काल में है ना, कस्मिन काले, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। वैसे संक्षेप में यहाँ पर वो शब्द दे दिया जिससे जिस शब्द का इस्तेमाल करके हम प्रश्न बनाएंगे। उसी प्रकार से अगला कहता है, मुगल काले पाटलिपुत्र समुद्धार हो जाता, मुगल काल में पटना का उद्धार हुआ, समुद्धार हुआ, तो यहाँ कहता है पाटलिपुत्र के आधार पर प्रश्न बनाना है, तो षष्ठी है तो कस से हो जाएगा, कस से किसका समुद्धार हुआ, तो हमारा प्रश्न बनेगा मुगल काले कस समुद्धार हो जाता, पूरा हो जाएगा, यहाँ पर हमने कस लिख दिया है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है, तत्र भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागत, वहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए, तो प्रश्न बनता है वहां कौन अनेक बार आए, तो प्रश्न हो जाएगा तत्र कह बहु कृत्वा समागत, यहाँ पर अंग में हमारा कह लिखा जाएगा। चलिए अगला कहता है, छ नगरस शोभा अशोकस समय सुतराम समृद्धम, नगर की शोभा राजा अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध थी, तो नगर की शोभा किसके समय में अधिक समृद्ध थी, तो क से हो जाएगा, यहाँ छ का हमने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं इसको प्रश्न के रूप में, नगरस शोभा कस समय सुतराम समृद्धम। और इस प्रकार से छठा प्रश्न का जवाब कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगला सातवां प्रश्न की ओर, रेखांकित पदेशु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति को लिखिए, अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वह वचन है हमको लिखना है। चलिए पहला प्रश्न कहता है, काले काले उत्सवा भवंती अस्म, समय समय पर समारोह होते थे या उत्सव होते थे, तो काले काले समय समय पर यह सप्तमी विभक्ति है, हम लोग पढ़े हैं मे पर सप्तमी का कारक विभक्ति चिन्ह है। उसी प्रकार से ख तस् संकेत अनेकेशु ग्रंथेशु लभते, उसका संकेत अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है, तो काके की षष्ठी रारेरी नानेनी कारक विभक्ति का चिन्ह है, तो यह हो जाएगा षष्ठी प्रथमा प्रथम षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार से अगला है, नगरम इदम पटना इति पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात, नगरम है तो प्रथम ये नपुंसक लिंग एक वचन में रूप चलेगा, पत्रम पते पत्रानी फलम फले फलानी, उसी प्रकार नगरम नगरे नगरानी, तो प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। घ कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसित, तो यह त्योहार का नाम है, यह भी प्रथम प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। अगला कहता है, दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो दुर्गा पूजा अवसरे अंडरलाइन किया हुआ है, यह हो गया सप्तमी एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है, स्तंभ द्वय लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कृत, दोनों स्तंभ में दिए गए लिखित शब्दों को मेल करिए, तो मेल करने के लिए पहले हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं, सुधा होगा, मही माने होता है धरती, सुतराम माने अधिक, पुरंदर माने इंद्र, अन्यतम माने एक, उत्कृष्टा माने श्रेष्ठ, प्रकृष्ट श्रेष्ठ, आगता माने आया, आगच्छत माने आया, इंद्र माने इंद्र, पृथ्वी माने धरती, अत्यधिक माने अत्यधिक, एक तमम माने एक, प्रकृष्टा माने श्रेष्ठ प्रकृष्ट। अब हमको मिलाना है तो मही, मही हमारा मिल जाएगा पृथ्वी के साथ,
उसी प्रकार से सूत्राम का हो जाएगा अत्यधिकम, पुरंदर का हो जाएगा इंद्र के साथ मेल करेगा, अन्यतमम का हो जाएगा एकतमम के साथ, उत्कृष्टा का हो जाएगा प्रकृष्टा के साथ, यहां पर दिया हुआ है आठवां का जवाब है उत्कृष्टा का हो जाएगा प्रकृष्टा, और आगता का हो जाएगा आगच्छत। और इस प्रकार से मौखिक के तीन और लिखित के आठ, कुल 11 प्रश्नों का जवाब हम लोगों ने समझा। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और उसके अनुसार उत्तर भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको जूम करके मजा से लिख सकते हैं, सुविधा होगी लिखने में। मिलता हूं आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।